सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट 2.0 एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। देखो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, ये बोला ना मैंने, सबसे बड़ा देश है। अब रसिया सबसे बड़ा देश है और इसकी सबसे लंबी क्या है, समुद्री सीमा भी है। इधर देखो, थोड़ा जूम करो इसको, नीचे नीचे करना, ये हम बताओ ना इसको, ये क्या है, देखो ये क्या है, इसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा है। अब दिक्कत क्या है रूस के लिए, इसके अधिकतर बंदरगाह, बंदरगाह कहते हैं जहाँ पे सी पोर्ट रुकते हैं, जहाँ से वो व्यापार कर सकता है, निर्यात आयात कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह। अधिकतर बंदरगाह सर्दियों के टाइम पे 7-8 महीने बर्फ से जमे हुए होते हैं, यानी कि किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ भी बंदरगाह, यहाँ भी बंदरगाह, यहाँ भी है बंदरगाह, ये ओकोटस सागर में भी है, लेकिन वो उसके किसी काम नहीं आते हैं। क्यों? वहाँ क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और वो क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। अब यहाँ देखो, इधर से कोई बंदरगाह इसका, कोई समुद्र है यहाँ पे, यहाँ देखो, चल यहाँ से, यहाँ देखो, ये रूस है ना यहाँ। अब बंदरगाह जरूरी क्यों है, किसी भी देश के लिए आयात और निर्यात करना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब निर्यात करने के लिए सबसे अच्छा साधन है पानी का जहाज, क्या है, और पानी के जहाज के लिए चाहिए बंदरगाह। अब मैंने क्या बोला, रूस के अधिकतर बंदरगाह क्या है, जमे हुए हैं, मतलब बर्फ रहती वहाँ। अब वो मतलब विश्व के और देशों के साथ वो लेन देन नहीं कर पाता है, व्यापार नहीं कर पा रहा है, और उसका इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये निकालो, यहाँ पे एक ये देखो, ये ब्लैक सी क्या है, केवल ये क्या है, इसमें देखो रूस की सीमा पे है और यहाँ पे भी इसका क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। अब रूस ने 2014 में क्या किया, ये एक देश है यहाँ पे यूक्रेन, 2014 में उसने यूक्रेन के इस द्वीप पे क्रीमिया पे क्या कर दिया, अधिकार, अपने अधिकार ले लिया उसको, किसको, क्रीमिया, ये क्रीमिया ठीक है, ये वाला। अब उसने क्रीमिया को अपने क्या ले लिया, अधिकार में ले। अब यहाँ इसकी सेना कहाँ गई, क्रीमिया में आ गई। अब ये इस क्रीमिया के थ्रू अब काला सागर में आ गया। अब इसके जहाज यहाँ से होते हुए कहाँ जाने लग गए, भूमध्य सागर में, ये है ना भूमध्य सागर, ठीक है। अब भूमध्य सागर से ये अन्य देशों में क्या कर पा रहा है, अब व्यापार कर पा रहा है, और इसको यहाँ से निकलना नहीं बाहर। देखो काला सागर, यहाँ पे ओजोस सागर भी है, ओजोस सागर, काला सागर और उसके बाद भूमध्य सागर, ठीक है। लेकिन अब वो चाह रहा है, जैसे ये यूक्रेन, अब वो यूक्रेन पे भी कब्जा करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो यूक्रेन पे कब्जा करेगा तो पूरा काला सागर पे भी उसका क्या होगा, कब्जा हो जाएगा, बड़े एरिया में उसका कब्जा हो रहा है ना। देखो इधर से यूक्रेन हो गया, इधर से क्या हो गया, रशिया हो गया, ये क्या है, टर्की, ठीक है, इधर से बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, और सबसे जो मतलब यहाँ पे ज्यादा हिस्सा किसका हो जाएगा, तब रूस का, क्योंकि वो किस पे अगर क्या करेगा, यूक्रेन को अपने कब्जे में, क्यों लेना चाहता है यूक्रेन को कब्जे में, वहाँ पे समुद्री सीमा को बढ़ाना चाह रहा हो, जिससे उसके बंदरगाह का जो क्षेत्र होगा वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो विश्व के अन्य देशों के साथ क्या कर पाएगा, लेन देन कर पाएगा, आयात निर्यात कर पाएगा, समझ गए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 2014 में यूक्रेन के किस हिस्से पे रशिया ने अपने अधिकार में लिया था, किस पे आक्रमण किया था और अपने में मिला दिया था, क्या नाम बोला मैंने उसका, यूक्रेन के किस हिस्से पे, क्रीमिया, यहाँ पे। अब जो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, अभी तुम सुन रहे होंगे समाचारों में, देख रहे होंगे लगातार, वहाँ पे जो रूस की जो सेना है वो कहाँ पहुँच गई है, कीव में, उसकी राजधानी कीव में पहुँच गई है। और यहाँ पे डोनस्क देखो, एक क्षेत्र है डोनस्क, अब इस चीज़ को भी समझो थोड़ा, है ये क्या है, डोनस्क, और एक खारगेव और डोनस्क, इस एरिया में देखो यहाँ पे क्या है, इधर पे आप दिख रही, इस एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो रशियन मूल के लोग हैं, ठीक है, वो यूक्रेन को नहीं करते पसंद, किसको करते हैं, और यहाँ पे एक कुछ अलगाववादी संगठन भी, अलगाव का मतलब होता है जिनका अपने देश पे लगाव नहीं है, उनको कहते हैं अलगाव, ठीक है। अब रूस ने क्या किया, इन अलगाववादी लोगों को भड़का दिया, किसके खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ, ठीक है। अब ये विद्रोह करने बैठ गए, और यहाँ से रशिया की सेना भी कहाँ चली गई, इस डोनस्क में चली गई, ठीक है, और इसको भी अपने कब्जे में लेना चाह रही, कौन, रशिया की सेना, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, इसको क्यों लेना चाहते, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कच्चा तेल मिलता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, और कच्चा तेल किसी भी देश के उद्योगों के लिए, औद्योगिकरण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, समझ में आ रही नहीं आए, तो इसलिए रूस इस पर भी क्या करना चाहता है, कब्जा, और यहाँ के लोग भी किसको चाहते हैं, रूस को,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस मूल के हैं? रशियन मूल के लोग हैं। आए नहीं आए समझ में? ठीक है, यहाँ पे एक देश और देखो, ये क्या लिखा है? बेलारूस। ये मिंस्क किसकी राजधानी है? ये बेलारूस हो गया, ये यूक्रेन हो गया, ये क्या है? पोलैंड। अभी तुम देख रहे हो वहाँ पे भारतीय जो छात्र हैं वहाँ फंसे हुए, सुना होगा ना, 20,000 से ज्यादा छात्र क्या है? यूक्रेन में फंसे हुए। वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल भारत के हिसाब से बहुत कम पैसे में वहाँ पे मतलब मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, MBBS का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अरे नहीं यार समझ में। अब उन छात्रों को निकाले, अब उनको कैसे निकालेंगे? वो यहाँ से देखो, यूक्रेन में तो क्या है, जहाज नहीं चल रहे हैं, यहाँ क्या नहीं हो रहे, जहाज नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ रशिया की क्या आ गई, सेना आ गई। अब ये लोग क्या हो रहे हैं, जो छात्र हैं वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पोलैंड। ये देखो पोलैंड यहाँ पे, ठीक है, वो पोलैंड की सीमा को क्रॉस करते हुए पोलैंड पहुँच रहे हैं। ठीक है, कुछ रोमानिया आ रहे हैं, ठीक है, और एक स्लोवाकिया भी यही पे, ठीक है, वहाँ आ रहे हैं। स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, इन और रोमानिया, इन देशों में आ रहे हो। ठीक है, और यहाँ से इधर देखो, ये क्या है? इंडिया। यहाँ से एयर इंडिया का विमान जा रहा है और सीधे कहाँ? पोलैंड, और वहाँ से अपने देश के छात्रों को कहाँ ला रहा है? वापस। ठीक है, अब वो इतनी ज़्यादा संख्या में हो गया कि एयर इंडिया के जो विमान हैं उनको मतलब बहुत भारी पड़ रहा है, रस ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, एक और जहाज है जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, भारत के पास भी, वो अमेरिका से खरीदा था भारत ने, क्या नाम है उसका? ग्लोब मास्टर। नहीं याद है तुम्हें ग्लोब मास्टर? जब तुम अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान में भी तालिबान ने कब्जा किया तो वहाँ से भी तो लाए थे भारत, भारत के लोगों को, एक जहाज नहीं था बड़ा जिसमें से वो ऐसे जोड़ लेते लोग, इसमें दिमाग में है ही नहीं बात। अरे बड़ा जहाज, सेना का जहाज है, भारतीय सेना का ना। तो वो अब क्या कर रहा है, इन छात्रों को यहाँ से ला रहा है। ठीक है, लेकिन कभी एक दिक्कत हो गई है, कुछ छात्र यहाँ फंसे हुए खारगे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस खारगे में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं इसके। ठीक है, अब वो छात्र क्या बंकरों में छिपे हुए, वहाँ अपने जान बचाने के, बंकर समझते तुम, जमीन के नीचे मतलब सुरंग करके जो बंकरों में छिपे हुए, अब वो बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। बाहर आएंगे तो क्या होगा, एयर स्ट्राइक होगी ऊपर से, बम गिर गए जहाजों से। ठीक है, एक इसमें क्या हो गया, दो भारतीय छात्र भी तो मरे, अभी सुना होगा तुमने, एक कल मरा एक उस दिन पहले। ठीक है, तो अब उनको बाहर आने के लिए भी नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या होगी, ये समस्या है। इसी संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन, वेरी गुड, व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच क्या हो रही है, वार्ता हो रही है कि हम किस प्रकार से अपने छात्रों को वहां से निकालें। रशिया और भारत एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं। रशिया ने हमेशा से ही भारत का क्या किया, सहयोग किया है, है ना। 1971 का जो वॉर हुआ था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, 1971 में जो पाकिस्तान और भारत का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें भी रूस की सेना ने क्या किया था, भारत का समर्थन किया था। आए नहीं आए समय? और हमेशा वीटो पावर होता, जो पांच देशों का वीटो पावर है ना, तो रूस हमेशा अपने वीटो पावर का यूज भारत के समर्थन में करता है।